Hello, creative filmmakers and actors. This is Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chili Films Production in association with Bollywood Ka Halla. दोस्तों आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉग पर पोस्ट भी किया था जो कि आप जानते हैं, हमारा ब्लॉग है www.bollywoodkahalla.com, जिस पर जाकर आप कई तरह की चीज़ों के बारे में जानकारियां लेते हैं कि कौन से ऑडिशन चल रहे हैं, किस तरह के एक्टिंग होनी चाहिए और बॉलीवुड की न्यूज़ एंड रिलेटेड उससे जितनी भी चीज़ें होती हैं जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मोबाइल के थ्रू आप कोई भी फिल्म या शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री किस तरह से शूट करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल को एक आप सिर्फ मोबाइल की तरह यूज़ ना करें, सिर्फ हेलो हाय नॉट लाइक दैट। आप इसको एक टेक्निकल पॉइंट से भी ले सकते हैं। वो कैसे कि आप इसके सहारे अपना एक फिल्म बनाकर एज अ डायरेक्टर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल कई सारी स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल्स भी होते हैं जहां पर आप अपनी फिल्म्स को भेज सकते हैं और भी कई जगहों पर आप अपने कॉम्पिटिशन्स में भेज सकते हैं अगर आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी बनी तो। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक ऐप है जिसको डाउनलोड करना है, वो है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा जब आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर एक ओपन कैमरा डालिए, आप लिखिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने इस मोबाइल में। देन उसके बाद आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ डिस्प्ले नज़र आएगा। यहाँ पर आप ये जो कैमरा बना हुआ है इसको आप क्लिक कर दीजिए और ये ऑन होते ही आपका जो है यहाँ पर चीज़ें आपकी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली बात ये है कि अगर हम बात करें कि किस तरह से हमें शूट करना है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस मोबाइल के अंदर जाकर। कट कर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब ये एक कैमरा ऐप जो मैंने कहा ओपन कैमरा के नाम से जो कि ऐप है उसको आप ओपन कर लीजिए। आपको इस तरह से कुछ फ्रेम नज़र आएगा। इस फ्रेम में आपको देखिए दिख रहा होगा कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ये फ्लैश हो गया, आपकी ये सेटिंग्स हो गई। इस सेटिंग्स में जाकर आप अपना फ्रेम रेट वगैरह वगैरह चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। अभी अगर कुछ नहीं जानते हैं आप फ्रेम रेट क्या होता है कैसे होता है तो इसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो है आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखिए कि किस तरह से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये एक एक्सपोजर लॉक का है बटन है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। और ये एक यहाँ से रिकॉर्डिंग आप चालू कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्रंट कर सकते हैं, और यहाँ से फ्रंट किया तो फ्रंट हो गया और बैक कैमरा लिया तो बैक कैमरा हो जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स में जाकर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर फेस डिटेक्शन मोड है, प्लस आपका टाइमर है, रिपीट ऑफ है, रिपीट मोड है और मोर कैमरा सेटिंग है। और वीडियो सेटिंग्स में जाकर आप अपना फ्रेम रेट्स वगैरह सब सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन दे रखा है तो ये 720 का वीडियो रेजोल्यूशन है या फिर 1920 फुल HD का लेना है, किसका लेना है। तो ये आपका कैमरा भी आपका मोबाइल भी उस तरह का सपोर्टिव होना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से आप वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना कितना साइज़ आपको रखना है। तो ये पूरा प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स इसमें आपको मिल रही होंगी और इस तरह से आप अपनी एक बहुत बेहतरीन फिल्म मेकिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी अवार्ड फिल्म फंक्शन में अपना फिल्म को भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये ऐप बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से आप अपने मोबाइल को एक फिल्म मेकिंग कैमरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप एक बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म्स बनाकर अपना एक नाम बना सकते हैं अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स में और अपने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप अपने स्कूल में कॉलेजेस में भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में टेक्निकल होना भी उतना ज़रूरी है जितना पढ़ना लिखना। तो पढ़ना लिखना ही काफ़ी ज़रूरत नहीं होता है आज के समय में, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है दोस्तों। तो उसके लिए आप ये तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आगे चल के फिर आप इसी तरीके से अपने आप को इस फील्ड में भी ला सकते हैं जिसमें आप फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड बड़ी बड़ी कॉरपोरेट मूवीज़ और एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बनाना शुरू कर दें जिससे आपकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। और आपने देखा भी होगा कि विदेश में तो बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि 18-20 साल के हैं, वो भी आजकल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यही शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर, प्लस वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, वेडिंग फिल्म मेकिंग करते हैं,
और प्री वेडिंग्स बनाते हैं, उसके बाद कितनी तरह की चीज़ें करते हैं, साथ में वो काफ़ी अर्निंग भी करते हैं। तो आप में से जो भी लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमें किस तरह से अर्निंग करनी चाहिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप साइड में एक्टिंग के साथ साथ ये भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका निकल कर आए। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मकसद समझ आ गया है। तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।